प्रदेश के बेरोजगार लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई बड़ी भर्तियों की राह मुश्किल होती नजर आ रही है। बता दें कि आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का पेपर आउट हुआ था, जिसकी फिर से परीक्षा कराई गई, जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया में बेरोजगारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के साथ अन्य भर्तियों की प्रक्रिया भी धीमी हो गई है। इन सब के चलते और आचार संहिता से पहले अब इन भर्तियों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं युवा। युवाओं की उम्मीदें लगभग टूट चुकी है और वे निराशा में डूबते जा रहे हैं। अगले 4-5 दिन में विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगने की संभावना है। ऐसे में 65,000 पदों पर हो रही 27 भर्तियां प्रभावित होगी। यह भर्तियां फिर अगले साल पर चली जाएगी। आचार संहिता के चलते 14 भर्तियों के 45,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अटक जाएगी। इसके अलावा 13 भर्तियों के करीब 20,000 पदों पर भर्तियां अगले साल होगी। जिन पदों पर नियुक्ति अटकेगी उनमें सर्वाधिक पद चिकित्सा विभाग की भर्तियों के हैं। शिक्षा विभाग की 3 बड़ी भर्तियों के 63,000 से अधिक पदों में से करीब 10,000 पदों पर नियुक्ति अटक सकती है। उधर बेरोजगार आचार संहिता से पहले अधिक से अधिक भर्तियों में नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एजेंसियों की धीमी गति के चलते भर्तियां अटकनी लगभग तय है। आपको बता दें कि संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, संविदा नर्स भर्ती, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, तहसील राजस्व लेखाकार, संगणक सूचना सहायक भर्ती, आरएस भर्ती 2023, लाइब्रेरियन, पीटीआई सहायक आचार्य भर्ती के बेरोजगारों को काफी परेशानियां देखनी पड़ सकती है। कर्मचारी चयन बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने बीच में ही पद छोड़ दिया था। नए अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी के चलते सितंबर अक्टूबर में होने वाली परीक्षाएं अगले साल तक खिसक गई है, जो युवाओं के निराश के सिवाय कुछ नहीं है। वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि बोर्ड के पास बड़ी भर्तियों में एक अध्यापक भर्ती थी जिसमें 48,000 पद थे। लेवल 1 व लेवल 2 के परिणाम जारी किए गए हैं। रिवाइज शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। वहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव का कहना है कि कई माह पहले निकली भर्तियों में भी नियुक्तियां नहीं मिलना लापरवाही है। प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी नियुक्ति दिलवा सकें। अब बेरोजगार अपनी पीड़ा को मन में ही दबाकर अपनी उम्मीदों को टूटते हुए देख रहे हैं और भविष्य की उम्मीद को भी ध्वस्त होते देख रहे हैं। वहीं सरकार युवाओं को देश का भविष्य बताती है, लेकिन उसकी किसी कार्यवाही ये नहीं लगता कि वह क्या कर रही है। ये बात बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन इसमें सरकार के प्रति उठते भरोसे की साफ झलक देखी जा सकती है।